दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग TS-48 का बैंक डिटेल्स कैसे ऐड करोगे। आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग शॉर्टलिस्ट हो गए हो तो सबसे पहले आपको डेट सेलेक्ट करना है, और डेट कैसे सेलेक्ट करना है तो मैंने आपको बता दिया है। और डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है बैंक डिटेल जो है फिल करना है। तो बैंक डिटेल्स कैसे फिल करना है इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, और आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे लड़के ऑलरेडी ज्वाइन हैं ग्रुप में। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इस बार कितने परसेंटेज पे जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है कैंडिडेट को। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखना और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको सारा अपडेट मिल पाएगा। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और आपको सर्च करना है joinindianarmy.nic.in। उसके बाद आपको कैप्चा मांगेगा, उसके बाद आपको उस पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। और उसके बाद आप यहां पे आओगे, यहां पे आपको ये ऑफिसर्स सिलेक्शन पेन दिखेगा और नीचे में आपको JCO और इनरोलमेंट ये सब दिखेगा। तो आपको जो है यहां पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको यहां पे क्लिक कर देना है ऑफिसर्स एंट्री अप्लाई लॉगिन, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, और आप लोग अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आपको यहां पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड और यहां पे कैप्चा फिल करके आपको अपना लॉगिन कर लेना है। ठीक है, जब आप लॉगिन कर लोगे, और अगर आपका लॉगिन नहीं होता है तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, आप लोग फॉरगेट भी कर सकते हैं, तो आप लोग का हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली जो है यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको इस तरह का कुछ पॉपअप दिखेगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा माय प्रोफाइल, अप्लाई ऑनलाइन, हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन, हिस्ट्री ऑफ SSB अपीयर्ड, चेंज पासपोर्ट और ये पासवर्ड, और यहाँ पे जर्नी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स। तो देखो अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं तभी आपको यहाँ पे शो होगा जर्नी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, और यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन तो सभी में शो होता है। तो अगर आप जो है अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो SSB के लिए तभी आपको यहाँ पे जो है ये सारा ऑप्शन खुलेगा, जैसे कि यहाँ पे जर्नी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, और साथ ही साथ यहाँ पे डेट सिलेक्शन लिंक। अगर आपका डेट सिलेक्शन लिंक का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं। और अब जो है दोस्तों सभी को मेल आ चुका है, जितने भी लड़के शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को मेल आएगा, तो आप लोग अपना एक बार चेक कर लेना। तो देखो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बैंक डिटेल्स ऐड करोगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह का जो आपको लेफ्ट साइड के कॉर्नर में दिखेगा बैंक डिटेल्स, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स वाला ऑप्शन आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे बेटर होगा कि आप लोग अपना बैंक का डिटेल देना तो ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना बैंक नेम में, जो भी बैंक में आपका अकाउंट है, अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने मम्मी पापा भाई किसी का भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे बैंक नेम में अगर आपका सपोज़ SBI में है तो आप SBI नहीं लिखोगे, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखोगे। अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में है तो आप PNB नहीं लिखोगे, पंजाब नेशनल बैंक ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ब्रांच नेम लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना IFSC कोड डाल देना है, अकाउंट नंबर डाल देना है, और यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम। तो अगर आप अपने मम्मी पापा का दे रहे हो या किसी और का दे रहे हो तो आपको उसका नाम यहाँ पे डालना है, और उसके साथ आपका क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और बेनिफिशियरी नेम में आपको अपना नाम डालना है, ठीक है, कि आप जो है लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपका फर्स्ट टाइम SSB आप देने के लिए जा रहे हैं तो आपका जितना भी किराया लगेगा आपको 3rd AC तक का मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको अपना ही मोबाइल नंबर देना है, ये बात आप ध्यान रहे। अगर आपका अकाउंट है, अगर आप अपना बैंक अकाउंट दे रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है, सब कुछ में आप अपना ही डिटेल्स फिल करोगे। अगर आप किसी अदर का दे रहे हैं तो यहाँ पे आप जिसका भी नाम दे रहे हैं, जिसका भी बैंक डिटेल्स के बारे में दे रहे हैं, तो उसका आपको यहाँ पर नेम जो है मतलब कि आपको सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप अपना दे रहे हैं, और अगर आपका अपना दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेल्फ के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे जो बेनिफिशियरी नेम में आप अपना नाम डालोगे, और यहाँ पे आपको अपना ही मोबाइल नंबर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना ही मोबाइल नंबर देना है। तो इतना जब आप फिल करोगे तो इतना फिल करने के बाद जो है आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन दिखेगा,
आपको राइट साइड के कॉर्नर पे, वहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर दोगे तो आपका बैंक डिटेल्स ऐड हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको बैंक डिटेल्स कैसे ऐड करना है। तो देखो अगर आपके ये ऑप्शन आ रहा है बैंक डिटेल्स का, तो आप लोग जितना जल्दी हो सकता है बैंक डिटेल्स ऐड कर लो, और आप लोगों को मतलब थर्ड एसी तक का SSB में अगर आप जाते अपेयर होंगे तो आपको उसका सारा किराया मतलब दिया जाएगा। तो आप लोग इस तरह से अपना बैंक डिटेल्स को जितना जल्दी हो सके फिल कर लो। अगर आप लोग अभी तक SSB का डेट सेलेक्ट नहीं किए हो तो कैसे आपको डेट सेलेक्ट करना है, तो इससे पहले वाला वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं और आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोग का कोई अदर डाउट है तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपका सारा डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।